टाइप 21, ए लाइन ए बी 60 mm लॉन्ग इंक्लाइन 30 degree टू एच पी एंड 45 degree टू वी पी. ड्रॉ द प्रोजेक्शन वेन वन एंड ऑफ लाइन 10 mm बिलो 10 mm बिलो एच पी एंड 20 इन फ्रंट ऑफ द वी पी. तो क्या क्या गिवेन है? ए लाइन जिसकी लेंथ है 60 mm, थीटा कितना, थीटा दिया है 30 degree, फाई दिया है 40 degree, वन इंच जो है 10 mm बिलो द एच पी एंड 20 इन फ्रंट. बिलो और इन फ्रंट ध्यान से देखिएगा कि बिलो और इन फ्रंट बोला है, मीन्स अगर आप इसको देख रहे हैं एच पी से बिलो और वीपी के इन फ्रंट, मीन्स क्वेश्चन किस में है आपका, ये लाइन किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है आपका. तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप क्या होता है, जब इसको रोटेट करेंगे तो ऊपर, जब इसको रोटेट करेंगे तो आपका ये क्या है, एचपी भी नीचे आ जाएगा, मीन्स रिफरेंस लाइन से नीचे ही आपका एचपी और वीपी दोनों ही आ जाएगा. तो अब हम इसको बनाते हैं. रिफरेंस लाइन को हमने ड्रा कर लिया है. अभी हमें पता है कि 10 बिलो जितना हमारा क्या बोल रहा है, बिलो बोल रहा है, मीन्स जितना एचपी से नीचे है, मीन्स ये वर्टिकल डिस्टेंस, वो भी हमें कहाँ मिल रही है, यही मिल रही है, वीपी पे मिल रही है. और जितना क्या बोल रहा है हमें, इन फ्रंट बोल रहा है, जितनी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रही है, ये भी रोटेट हो के हमारा कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा. तो रिफरेंस लाइन से नीचे हमने बिलो वाली लाइन ड्रा कर ली और ये इन फ्रंट वाली लाइन ड्रा कर ली है. अब हमें क्या करना होगा कि एक पॉइंट लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे. तो हम पहला पॉइंट लेते हैं 10 बिलो द एचपी, तो एचपी वाला पहले लेते हैं. तो 10 बिलो बोला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा. इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा. तो हम इसके प्रोजेक्शन से 20 इन फ्रंट में हमें यहाँ पॉइंट क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा. इतना क्लियर है. अब उसके बाद हमें क्या करना है, ए डैश से, ए डैश से हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं. तो यहां से थीटा 30 degree का, थीटा 30 degree लेके हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे. क्लियर है. और इस लाइन की हमें ये यूज हुआ, ये यूज हो गया है. इसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 60 दे रखी हुई है. तो यहां से हम 60 क्या क्या करेंगे, कट करेंगे. अगर ये ए डैश है तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा बी डैश हो जाएगा. क्लियर है. अगर हम बी डैश का प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश के प्रोजेक्शन से हमें बी मिलता है. अगर बी डैश के प्रोजेक्शन से हमें बी मिलता है, बी डैश के प्रोजेक्शन से हमें बी मिलता है, प्रोजेक्शन का डायरेक्शन जरूर लगाइएगा. तो जहां पे ए है वहीं पे तो हम बी लेंगे. तो हमने ये पॉइंट का नाम दे दिया बी. जो ये ए और बी है, जो ये ए और बी है, ये ए और बी हमारा क्या है, एक्स हो जाएगा. ए बी हमारा एक्स हो जाएगा, मीन्स प्लान हो जाएगा. अब उसके बाद यहां से हम फाई कितना क्वेश्चन में दिया है, 545 दिया है. तो 545 पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे. 545 पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे. और फाइव फोर्टी फाइव पे हम ये लाइन ड्रा किए. उसके बाद टीएल को हम कट कर रहे हैं. ये हो जा रहा है हमारा 545 पे टीएल कट. ये ए बी, ये क्या है हमारा, टीएल है. ये ए डैश बी एल भी क्या था हमारा, टीएल था. अगर हम अब इस बी का प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा. और जहां पे ऑलरेडी पहले से हमारा ए डैश है ये वाली, तो यहां तक हम इसका प्रोजेक्शन ले जाएंगे तो हमें B से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B डैश मिल जाएगा. ये A डैश B डैश क्या है हमारा, Y हो गया, एलिवेशन हो गया. अब हम क्या करेंगे, B डैश के पास वाली लाइन से एक लोकस लाइन ले जाएंगे और एक B के पास वाली से एक लोकस लाइन ले जाएंगे. अब B के पास वाली लोकस लाइन पे हम क्या शिफ्ट करके ले आते हैं, B ले आते हैं. तो ये जो AB वाली है, इस ए बी वाली दूरी को लेके, ए को सेंटर लेके, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आर्क लेके यहां पे आएंगे. इस पॉइंट को हम सेंटर लेते हुए इस ए बी दूरी का हम आर्क ले आएंगे, जो बी वाली लोकस लाइन को कट करेगी. ये
आर्क का डायरेक्शन हमने ये बना दिया है यहाँ पे, तो ये बी को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और जो ये हमारी ए बी हो जाएगी, जो ये दूसरी हमारी ए और बी है, ये क्या है हमारा प्लान एक्स है, ये क्या है हमारा प्लान एक्स है। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब बी डैश को, बी डैश वाली लोकस लाइन हमारी ये है, इस पॉइंट का नाम हमारा बी डैश था जो यहां दिख नहीं रहा है। अब इस बी डैश को हम शिफ्ट करके कहां पे ले आएंगे, बी डैश वाली लोकस पे ले आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली दूरी को लेके, ए डैश बी डैश की दूरी को लेके, ए डैश को सेंटर लेते हुए हम आर्क लगाएंगे, इसकी लोकस लाइन को थोड़ा और बढ़ा ले। उसके बाद ये बी डैश हमारा शिफ्ट होके यहाँ कहीं कट कर जाएगा, तो ये बी डैश हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे आया, और जो ये नया हमारा ए डैश और बी डैश होगा वो क्या होगा, इस लाइन का एलिवेशन होगा, वो इस लाइन का एलिवेशन होगा। एक बार हम और एक्सप्लेन कर दे रहे, पेज हमने कई बार रोटेट कर दिया अभी इसमें आर्क लगाने के लिए। क्वेश्चन में हमें क्या था कि टीएल दिया था, थीटा दिया था, फाई दिया था, वन इंच की लोकेशन दिया था, लोकेशन में बिहाइंड इन फ्रंट था, बिहाइंड इन फ्रंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो हमें मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो रिफरेंस लाइन ड्रा करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है कि हमारा एचवीवीपी दोनों ही रिफरेंस लाइन से नीचे आ जाते हैं, तो मींस पूरा क्वेश्चन नीचे ही बनना है हमारा। एचवीवीपी ओवरलैप कर जा रहा है, तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है एचवीवीपी, अगर आप लिखेंगे तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, कोई एक ही मत लिखिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 10 बिलो बोला था, तो 10 mm बिलो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, और 20 इन फ्रंट बोलेंगे। अब आपको पता है कि HP से जो रिलेशन दे रहा है उसके साथ थीटा ही जा रहा है, थीटा वाला होता है 10 बिलो पे। आप यहाँ पे अगर पॉइंट ले रहे हैं, और तो यहाँ पे आप ए डैश लेंगे और थीटा 30 लेके ये एक लाइन ड्रा करेंगे, अगर ये ए डैश है, टीएल आपको 60 गिवन है, तो आप वो यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आपको बी डैश मिलेगा। ए डैश और बी डैश की अगर आप लाइन को मिलाएंगे तो ये आपकी क्या है, टीएल है। अगर आप बी डैश का प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी। ये प्रोजेक्शन कहाँ तक जाएगा, जहाँ ए पहले से है, तो ए और बी ये वाली लाइन आपको क्या दे देगा, प्लान एक्स दे देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि दूसरे इन पे आ जाएंगे, बी डैश बी के साथ आपका क्या जाता है, फाई जाता है, फाई 45 पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। फिर उसके बाद टीएल 60 दिया है, ए से आप 60 का आर्क लेके कट करेंगे, पॉइंट बी मिल जाएगा, ए और बी को मिला देंगे, ये आपकी टीएल हो गई। अब इसका प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, बी के प्रोजेक्शन से बी डैश मिलेगा, जहां पे ए डैश है वहीं पे बी डैश तक का प्रोजेक्शन ले जाएंगे, ये ए डैश और बी डैश आपकी क्या हो जाएगी, एलिवेशन हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, बी डैश के पास से एक लोकस लाइन ले जाते हैं, बी डैश वाली लोकस लाइन मीन्स ये आपकी बी डैश वाली लोकस लाइन हो गई, दूसरी ये आपकी बी वाली लोकस लाइन हो गई। हाँ, यहाँ एक चीज हम ये बोलेंगे कि बहुत लोग बी वन बी टू लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गलती ये कर रहे हैं कि जो पहले बी आ जा रहा है उसको नाम बी वन दे रहे हैं, जो बाद में आ रहा है उसको बी टू दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो पहले बी पॉइंट मिला तो उसको बी मतलब बी डैश में जो पहले मिला तो वो बी डैश वन हो जाएगा, जो बाद में मिला बी डैश टू, ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल में ए डैश बी डैश जो ट्रू लेंथ वाली होती है उसको सिर्फ ए डैश बी डैश ही लिख सकते, उसको ए डैश बी वन डैश नहीं लिख सकते। ऐसी गलतियां कुछ आंसर सीट में हमें मिली है, और जो प्लान वाली होती है उसी को ए डैश बी डैश वन वाली लिखते हैं, और जो उसके रेफरेंस से प्रोजेक्ट करके ले जाते हैं तो उस हिसाब से लिखा जाता है वन टू करके। तो ऐसा नहीं कि जो पहले पॉइंट आए उसी को बी वन डैश बोलेंगे, या जो पहले पॉइंट आए उसी को बी वन बोल देंगे या बी टू बोल देंगे, ऐसी गलती ना करें, और इतने कम टाइम में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। अगर आप बुक से कहीं से रिफर करके बना रहे हैं तो अच्छी बात है, तो एक बार आप और ऑब्जर्व कीजिए उस बुक को कि बी वन बी टू कैसे दे रहा है, नहीं तो मेरा कहना यही है कि आप नॉर्मली बी डैश या बी अभी दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दीजिए बी वन बी टू, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही चेक करने वाले में प्रॉब्लम आएगी, और एग्जाम में अगर आप बी वन बी टू नहीं भी करेंगे तब भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन चेक होंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा हो गया।
हाँ, हम कहाँ तक थे? बी डैश और बी वाली लोकस लाइन पे हमने क्या किया, बी डैश को, बी डैश ये बी ए और बी वाले को हम शिफ्ट करके यहाँ पे बी वाले पे ले आए हैं। ये ए बी हमारे उस लाइन का एक्स हो गया, प्लान हो गया। अब बी डैश को, ए डैश बी डैश को हम शिफ्ट करके ये बी डैश ले आए, ये ए डैश बी डैश हमारी एलिवेशन हो गई है, जैसा अभी तक सब क्वेश्चन में करते आए हैं।